जब हम अपने लर्नर्स को समझने की बात करते हैं और जब हम अपने लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करने की बात करते हैं, जब हम अंडरस्टैंडिंग द लर्नर की बात करते हैं, और खासतौर पर लर्नर एज एन इंडिविजुअल, आप यूनिट 6 पढ़िएगा ब्लॉक 2 में, वो यहीं से शुरू होती है, दैट लर्नर एज एन इंडिविजुअल। तो जब हम लर्नर एज एन इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एनालाइज करने होते हैं। वन सच कैरेक्टरिस्टिक इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक बड़ा बजवर्ड है एजुकेशन एरिया में। अब बहुत लोगों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया, किसी ने डिफाइन किया इट मे बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इट इज कैपेसिटी टू लर्न, एंड एज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रूथ एंड फैक्ट्स। तो कोई कहता है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक रेशनली, टू एक्ट पर्पसफुली, एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट। ये भी डेफिनेशन है। आप साइकोलॉजी की किताबें पढ़िए, आपको इंटेलिजेंस की बहुत डेफिनेशंस मिलेंगी। हमारे स्टडी मटेरियल में भी आपको कई डेफिनेशंस मिलेंगी। एक और डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि पर्सन्स इंटेलिजेंस इज इवेलुएटेड अकॉर्डिंग टू हाउ शी और ही इज डीलिंग जनरली विद पीपल, थिंग्स एंड आइडिया। सो दिस इज अ एलिमेंट ऑफ सोशियो इमोशनल इंटेलिजेंस। एक्चुअली इंटेलिजेंस के साथ बहुत सारे विवाद भी जुड़े हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी जुड़े हैं। मैं आज उन मिसकंसेप्शंस पर थोड़ा इलैबोरेटिव डिस्कशन करना चाहता हूं। एक तो पहला मिथ या मिसकंसेप्शन इंटेलिजेंस के बारे में है कि इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज फिक्स्ड, एक बार जिसकी जितनी बुद्धि होती है उतनी ही रहती है, ये कभी बदल नहीं सकती। ये मिथ है, किसी की इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं है, इट चेंजेस विद एक्सपीरियंस। क्योंकि यहां एक डिबेट है, इंटेलिजेंस हेरिडिटिकल है या इंटेलिजेंस एनवायरमेंटल, दोनों का इंपैक्ट होता है। इंटेलिजेंस में हेरिडिटी से तो इंटेलिजेंस आती है, लेकिन हेरिडिटी के साथ साथ उसको कैसा एक्सपोजर मिल रहा है, कैसे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, कैसी लर्निंग कंडीशंस मिल रही हैं, उसका भी उसके इंटेलिजेंस पर फर्क पड़ता है। तो पहला मिथ तो हमें अपने दिमाग से यह निकाल देना चाहिए कि किसी की भी इंटेलिजेंस फिक्स्ड होती है, एंड नथिंग कैन बी डन टू इंक्रीज द इंटेलिजेंस। ये दूसरा मिथ है। कहते हैं कि बुद्धिमत्ता को इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तुम बुद्धू थे, बुद्धू रहोगे। वी ट्राई टू लेवल आवर लर्नर्स, नो वी कैन नॉट, दिस इज रॉन्ग, वी कैन नॉट लेवल आवर लर्नर्स, इट चेंजेस विद प्रैक्टिस। दिस इज अगेन अ मिथ दैट नथिंग कैन बी डन टू इंक्रीज एंड किसी से कहते अरे भाई ये बच्चा तो एवरेज है, तो जीवन भर एवरेज ही रहेगा और ये आगे जाकर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि क्लास में ये 80-85 नंबर नहीं ला सकता। अब बहुत सारे सफल लोगों को देखिए जिनके क्लास में 40-50 नंबर ही आए थे, लेकिन आज वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके। ठीक, तो ये भी एक मिथ है जो हमें बस्ट करने की जरूरत है, जो हमें तोड़ने की जरूरत है कि नथिंग कैन बी डन टू इंक्रीज द इंटेलिजेंस। थर्ड मिथ इज IQ इज एन एब्सोल्यूट एंड ट्रू मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। दिस इज द मोस्ट इनकरेक्ट मिथ अबाउट इंटेलिजेंस, दैट IQ इज एन एब्सोल्यूट एंड ट्रू मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। नो माई डियर, नॉट। IQ इज अ मेजर, बट IQ इज नॉट एन एब्सोल्यूट मेजर। केवल IQ के आधार पर ही किसी की बुद्धि को मापा जा सके, ये गलत बात। IQ बुद्धिमत्ता को मापने का एक प्रकार है, लेकिन बुद्धिमत्ता केवल IQ है यह मानना सबसे गलत है। तो हमें इस मिथ को भी ब्रेक करने की जरूरत है अपने दिमागों में, एज ए टीचर सबसे पहले, कि नहीं इसका IQ टेस्ट ले लेंगे, इसका IQ पे जो स्कोर होगा इसकी IQ उतनी रहेगी, ऐसा नहीं है। एक और मिथ है कि इंटेलिजेंस को एग्जैक्टली टेस्ट किया जा सकता है। देयर इज नॉट अ सिंगल इंटेलिजेंस टेस्ट which can guarantee that whatever has been tested is accurate. No. Intelligence or IQ scores are always relative scores. एक example मैं आपको देता हूं, जिस दिन आप पर खाली समय हो internet पर बैठिएगा, online IQ test बहुत सारे freely available हैं, जरा 4-5 तरह के IQ test अपने ऊपर apply करिएगा और देखिएगा कि क्या प्रत्येक इंटेलिजेंस टेस्ट में आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस सेम आया है, क्या सब में आपका सेम स्कोर आया है। यदि नहीं आया
तो ये मिथ ब्रेक होता है कि इंटेलिजेंस कैन बी टेस्टेड एग्जैक्टली, वी कैन नॉट टेस्ट इंटेलिजेंस एग्जैक्टली। ये अगेन एक मिसकंसेप्शन है, अगेन एक मिथ है जिसे हमें ब्रेक करने की, तोड़ने की जरूरत है। और ये मिथ क्यों है, क्योंकि जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग और इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं, जैसे अचीवमेंट ड्राइव, मुझे हासिल क्या होगा, सीखने वाले विद्यार्थी की इमोशनल हेल्थ, उसका मानसिक और सांवेगिक स्थिति, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, उसकी क्यूरियोसिटी टू लर्न। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा 134 है, किसी का आईक्यू स्कोर नेक्स्ट टू आइंस्टीन है, लेट अस टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट डू यू थिंक दैट ही और शी कैन लर्न एवरीथिंग? नो, ही और शी कैन नॉट लर्न एवरीथिंग। ही और शी विल प्रिफर टू लर्न द थिंग्स टूवर्ड्स विच दे हैव सम अचीवमेंट ड्राइव, जिनमें उनमें कुछ, जिनके प्रति उनमें कुछ पाने की ललक हो, जिनके प्रति उनमें कुछ उत्कंठा हो, क्यूरियोसिटी हो, जो उनके बैकग्राउंड और इमोशनल हेल्थ को कनेक्ट करते हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेलिजेंस एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, देयर इज नो एब्सोल्यूट रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड लर्निंग, कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को जो कुछ सिखाएंगे वो सब सीख जाएगा और एक तथाकथित आईक्यू स्कोर के बेस्ड पे लेबल्ड बच्चा की ये इंटेलिजेंट नहीं है, वो कुछ नहीं सीख पाएगा, ये एक मिथ है, इसको अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है। हम करते क्या है, हम इंटेलिजेंस कोशेंट्स निकालते हैं, और बच्चे जब विद्यालय में पढ़ने आते हैं तो कुछ मेंटल एग्जामिनेशन, कुछ आईक्यू टेस्ट लेकर के उनकी मेंटल एज निकालते हैं, और उस मेंटल एज के आधार पर ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उनकी लर्निंग में प्रोग्रेस कैसी होगी। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत विधि है, यह विधि काफी हद तक मदद करती है, लेकिन केवल इस विधि के परिणाम के सहारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, ओनली टू मूव विद दिस डिसीजन, विद दिस रिजल्ट दैट टीचिंग लर्निंग विल गो ऑन, नो इट विल नॉट वर्क माय डियर, इट विल नॉट वर्क। सो एज ए टीचर यू शुड कीप इन योर माइंड, एज ए टीचर यू शुड कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में ये ध्यान रखिए कि इंटेलिजेंस एंड लर्निंग आर नॉट वन टू वन, द रिलेशनशिप ऑफ इंटेलिजेंस एंड लर्निंग दीज टू वेरिएबल्स इज बींग अफेक्टेड बाई मेनी अदर वेरिएबल्स, बहुत सारे अन्य चरों से, बहुत सारे अन्य कारकों से बुद्धिमत्ता और सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। देन इंटेलिजेंस टेस्ट स्टैंडिंग इंडिकेट्स वॉट अ लर्नर शुड बी एबल टू डू, यस आई एग्री विथ दिस, There are many intelligence tests which can predict that what are the possibilities in a learner. So it is a prediction. It is not absolute measure. एक टर्म होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, IQ. IQ को हम कैलकुलेट करते हैं मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. हम कोई एक टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के स्टैंडर्ड स्कोर के आधार पर यह निकालते हैं कि इस बच्चे की बौद्धिक आयु 15 वर्ष है, और मान लीजिए उस बच्चे की शारीरिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज, जन्म से जो आयु है वो 12 वर्ष हो, तो 15 को 12 से डिवाइड करके इंटू 100 करके उसकी आईक्यू निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम अपनी कक्षा के सारे विद्यार्थियों की आईक्यू निकालते हैं और उसके बाद उनको लेवल कर देते हैं कि एवरेज लर्नर है, ये अबव एवरेज लर्नर है, ये इंटेलिजेंट है, ये जीनियस है, ये बिलो एवरेज है, ये प्रोफाउंड एवरेज है, ये मोरॉन है, पूरा टेबल है दिया हुआ आईक्यू टेस्टिंग का, लेबलिंग का। दिस आईक्यू ओनली इंडिकेट्स द रेट ऑफ मेंटल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चे का मानसिक विकास किस गति से हो रहा है, यह आपको एक अप्रोक्सीमेट रेट देता है, मेंटल ब्राइटनेस उसकी किस दिशा में जा रही, इसके अलावा कुछ नहीं। आप अपने चारों तरफ देखिए, अखबारों में पढ़िए, आपको कितने स्कूल ड्रॉपआउट मिलेंगे जिनका आईक्यू शो कॉल्ड आईक्यू टेस्ट पर कम था, क्योंकि आईक्यू मैंने बोला एब्सोल्यूट मेजर नहीं है। आप भाटिया की टेस्ट बैटरी पर आईक्यू निकालिए, आप जलोटा की आईक्यू टेस्ट पर आईक्यू निकालिए, आप किसी और आईक्यू टेस्ट पर आईक्यू निकालिए, यू विल फाइंड डिफरेंट आईक्यू स्कोर्स। सो व्हाटएवर आईक्यू स्कोर, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द टूल ऑन विच यू हैव कैलकुलेटेड द आईक्यू। तो बुद्धिमत्ता का जो ये गुणांक है, इंटेलिजेंस कोशेंट, ये हमेशा उस उपकरण पर आधारित है जिस उपकरण का प्रयोग आपने आईक्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया है। नेक्स्ट इंटेलिजेंस से रिलेटेड टर्म है इमोशनल क्वेश्चन, क्योंकि आजकल हम लोग केवल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते,
मेंटल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। डेनियल गोलमैन ने बहुत अच्छी किताब लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस पर, कभी खाली समय हो और आपको पढ़ने की इच्छा हो पढ़िएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में यह माना जाता है दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सेंस अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिवली अप्लाई द पावर ऑफ इमोशंस एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इंफॉर्मेशन क्रिएटिविटी ट्रस्ट एंड कनेक्शन। तो जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, सांवेगिक बुद्धि, इसको हम कहते हैं सांवेगिक बुद्धिमत्ता, वह है बौद्धिक बुद्धिमत्ता IQ। ये सांवेगिक बुद्धिमत्ता जो है ये आपकी योग्यता है अपने इमोशंस को, इमोशंस की शक्ति को पहचानने की और उसको पहचानने की, उसको समझने की और सूचना क्रियात्मकता, दूसरों के साथ व्यवहार करना, इसमें ठीक से उसको अप्लाई करने की। बहुत सारे लोगों ने कहा इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली इन अ गिवन एनवायरनमेंट, दी गई परिस्थिति में यदि आप उद्देश्यपूर्ण ढंग से ठीक प्रकार ढंग से कार्य कर सकते हैं, उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, वहां इमोशंस रोल प्ले करते हैं। तो EQ इज ऑल्सो इक्वल पार्टनर ऑफ योर इंटेलिजेंस। दिस इज अ डेफिनेशन गिवन बाय स्टेप और लाइक देर इज अनदर डेफिनेशन गिवन बाय डेविड Caruso, who says emotional intelligence is the ability to use your emotions to help you solve problems and live a more effective life. Emotional intelligence आपके emotions की मदद से समस्या समाधान की योग्यता है। तो अगर आप emotional intelligence के test देखेंगे तो बहुत सारे test available हैं, psychological labs में भी available हैं, आपके आसपास भी हो सकते हैं। आप देखिए उन test में basically तीन चीजों पर बात की गई है। डू यू नो योर इमोशंस, डू यू कंट्रोल योर इमोशंस, अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल योर इमोशंस, एंड डू यू यूज योर इमोशंस। क्या आप अपने इमोशंस को ठीक से जानते हैं? क्या आप अपने इमोशंस को समझते हैं और उन पर नियंत्रण कर सकते हैं? क्या आप अपने इमोशंस को ठीक प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं? देन नाउ डेज वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल क्वेश्चन, SQ। स्पिरिचुअल क्वेश्चन पर बात करने से पहले मैं बता दूं कि यह धार्मिक स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एज एन अल्टीमेट इंटेलिजेंस विच मेक्स अस एबल टू गिव वैल्यू एंड मीनिंग टू आवर लाइफ एंड हेल्प अस टू लुक बियॉन्ड मेटेरियलिस्टिक सक्सेस। स्पिरिचुअल कोशेंट एक इस तरह की इंटेलिजेंस है जो हमें अपने जीवन का मूल्य समझने और हमारा जीवन किस लिए है इसको अर्थ प्रदान करने में मदद करे, ताकि हमारे आसपास जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे आगे जाकर हम कुछ सोच या समझ सकें। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एक तरह की ऐसी कैपेसिटी है जो आपके अस्तित्व संबंधी प्रश्नों को समझने में मदद करती है। कभी सोचकर देखिए आप क्यों हैं, आपका इस दुनिया में आने का क्या औचित्य है, यदि आप आए हैं तो आप क्या योगदान कर सकते हैं, आप इस देश को, इस समाज को, अपने विद्यार्थियों को, अपने विद्यालय को ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे उनका भला हो, जो केवल IQ और EQ के बेस पर काउंट नहीं होता। व्हेन यू थिंक अबाउट योर सेल्फ इट इज इनसाइट इन मल्टीपल लेवल्स ऑफ कॉन्सियसनेस, आपके बहुत सारे लेवल्स में ये इनबिल्ट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअल कोशेंट, कुछ लोग कहते हैं दिस इंक्लूड्स इंटेलिजेंस कोशेंट एज वेल एज इमोशनल कोशेंट। अगर आप इनकी रिलेशनशिप को देखेंगे SQ, UQ और IQ, तो तीन तरह की अप्रोचेस हैं। कुछ कहते हैं SQ इक्वल टू IQ प्लस EQ, कुछ कहते हैं SQ, EQ एंड IQ ऑल थ्री आर equal contributors in your intelligence, so they are plus plus plus. Some are saying SQ, EQ and IQ are three different things, but they work together, par wo saath saath kaam karte hain to make your intelligence, to develop your intelligence. So I talked about basically three quotient today, IQ, SQ and EQ. ye comparative chart hai, IQ mein kya aata hai, EQ mein kya aata hai और SQ में क्या आता है।
जब हम आईक्यू की बात करते हैं तो मोस्टली नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें आते हैं। बट जब इमोशनल क्वोशेंट की बात होने लगती है, देन वी टॉक अबाउट टीम वर्क, लीडरशिप, अवेयरनेस, एक्शन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, ऑप्टिमिज्म, स्किल, एक्सपीरियंसेस। आप कैसे दूसरों के साथ काम करते हैं, कैसे दूसरों का नेतृत्व करते हैं, या आपके चारों तरफ जो घटित हो रहा है समाज में, देश में, आपके विद्यार्थियों के साथ जो घटित हो रहा है, क्या आप उसको लेकर अवेयर हैं? क्या आप अपने परिवार में, अपने मित्रों से, अपने साथियों से, अपने सहकर्मियों से, अपने विद्यार्थियों से, अपने समाज के अन्य व्यक्तियों से अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर पाते हैं? क्या आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं, आपकी इमोशनल वेलबींग कितनी है, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? ये सब चीजें ईक्यू के अंदर आती हैं। और जब हम एसक्यू की बात करते हैं, तब हम सेल्फ एनालिसिस की बात करते हैं। वहां पर आपका सेल्फ इवेल्युएशन है, सिंथेसिस है, जजमेंट है, इंसाइट है, क्रिएटिविटी है, इंट्यूशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपका विजन क्या है, आपका कमिटमेंट अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने स्टूडेंट को लेकर कितना है। यू आर अ टीचर, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर स्टूडेंट्स? यू नीड टू कनेक्ट देम नॉट ओनली इंटेलेक्चुअली बट इमोशनली, दैट इज ईक्यू। ईक्यू इज ऑल्सो वर्किंग। सो ऑल थ्री क्वेश्चंस वर्क टुगेदर एंड दैट मेक यू इंटेलिजेंट।